Hello students, a very good morning. Okay, so today we are going to make a paper flute, okay, on the occasion of Janmashtami. Okay, so here are the material that we required for paper flute. So the required materials are a sparkle sheet. If you have sparkle sheet, so you can use sparkle sheet, otherwise you can use colorful sheets also, okay? Yes, colorful sheets, any color of your choice, okay? Any color of your choice. Fevicol, scissors, eraser, pencil and scale, okay? So here we are going to start. Yes, आपको विड्थ लेनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, मीन्स आपको चौड़ाई लेनी है 10 सेंटीमीटर मीटर लेंथ, ओके, जो इसकी लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर आपको लेंथ लेनी है एंड 10 सेंटीमीटर आपको विड्थ लेनी है, ओके. ओके, ये हमने इसका कटिंग कर दिया है. अभी हम इसको रोल कर रोल इट लाइक दिस. और अब इसे फेविकॉल से पेस्ट करना है. ओके, तो अभी हमें बांसुरी में एक होल बनाना है इस साइड, ओके. तो आपको इस तरह से इसे कट करना है फ्रॉम बोथ साइड, ओके. ये होल हो गया है. अभी हम लोग इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे. हम लोग इधर स्पार्कल शीट यूज कर रहे हैं. आप लोगों के पास अगर स्पार्कल शीट नहीं है तो आप कोई भी शीट यूज कर सकते हो, ओके. कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी यूज कर सकते हो. तो हम इसकी बहुत पतली पतली लेयर, पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे. यस, इस तरह की आपको एक पतली एक थिन स्ट्रिप्स कट करनी है, ओके. अब हम इस स्ट्रिप को बांसुरी के ऊपर पेस्ट करेंगे लाइक दिस, ओके. पूरी बांसुरी को कवर करना है हमें इससे. यस, इस तरह से आपको स्ट्रिप्स को इसके ऊपर कवर करना है पेस्ट करके, ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अभी हम लोग मोर पंख बनाएंगे, ओके. बांसुरी के ऊपर जो मोर पंख लगता है हम लोग अभी वो बनाएंगे. तो आप लोग एक ग्रीन कलर शीट ले लो मोर पंख के लिए, ओके. इस तरह से ड्रॉ करना है आपको और उसकी कटिंग करनी है पहले. नाउ कट इट. Yes. Now fold it like this and make a shape of mor pankh. And cut it. Okay, एक लीप वाला शेप बनाए. अब इसको फिर से फोल्ड करके हम लोग इसको बहुत पास पास से कटिंग करेंगे, छोटी छोटी इस तरह से, देखो.
ज़्यादा बड़ी नहीं, ओके okay? इस तरह से छोटी छोटी कटिंग करनी है और एकदम पास पास से। सी इस तरह से बनेगा, ओके okay? अभी हम लोग हार्ट शेप कट करेंगे ब्लू कलर शीट पे मोर पंख पर पेस्ट करने के लिए, ओके okay? उसके बाद ब्लू कलर का जो हमने हार्ट कट किया उसे थोड़ा सा बड़ा हम लोग येलो कलर का कट करेंगे, ओके okay? येलो कलर को हार्ट शेप में कट नहीं करना, उसे राउंड में करना है, ओके okay? येलो कलर शीट पे हम लोग पहले ब्लू कलर वाला पेस्ट करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा आउटर एज से कट करेंगे, ओके okay? इस देखो हमने ब्लू और येलो को पेस्ट कर दिया है एक दूसरे पर। अब हम लोग इसे ऑरेंज शीट पर लेंगे, ओके आप लोगों को पता है ना मोर पंख में कितने सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन ऑरेंज येलो ब्लू, सो हियर वी आर विथ ऑरेंज कलर। इसे भी हम थोड़ा सा आउटर एज लेकर उसे काटेंगे, उसके आउटर एज को बाहरी तरफ से काटेंगे उसे, ओके okay? उसे हम लोग जो हमने ग्रीन कलर का लीफ शेप काटा है उस पर पेस्ट कर देंगे। वन मोर थिंग इज आपको वो उतना ही काटना जितनी आपकी लीफ पर आ सके, ओके जितनी आपकी लीफ पर आ सके आपको उतना ही ऑरेंज कलर येलो कलर और ब्लू कलर शीट कट करना है। अब इसे हम अपनी बांसुरी पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ओके नाउ पेस्ट द मोर पंख ऑन योर फ्लूट। ओके तो हमने मोर पंख पेस्ट कर दिया है हमारी फ्लूट पे, ओके अभी हम लोग इसके लिए टेसल बनाएंगे। टेसल मीन लटकन होती है ना, वो बनाएंगे, ओके अगर आपके पास राखी है पुरानी राखी तो आप उसे भी यहाँ पर पेस्ट करके लटकन बना सकते हो, अदरवाइज आप लोग पेपर को कट करके भी लटकन बना सकते हो, ओके तो अभी हम लोग आपको बताएंगे टेसल कैसे बनाएंगे, ओके आप इस तरह से पेपर की 3 स्ट्रिप्स काट के उसे लटकन के लिए टेसल के लिए यूज कर सकते हो इस तरह से। और आप लोग पेपर की रिंग्स बना के भी यूज कर सकते हो, ओके ओके आप एक स्ट्रिप कट करके उसे रोल करके पेस्ट करना है आपको इस तरह से, ओके उसके बाद एक और स्ट्रिप को लेकर उसकी उसे इसके अंदर डालकर फिर आपको रोल करनी इस तरह से और फिर उसे पेस्ट करनी, ओके यस इस तरह से आपकी ये टेसल्स रेडी हो जाएगी लटकन, ओके ओके यस अभी हम इस टेसल को बांसुरी पे पेस्ट करेंगे इस तरह से, ओके एंड हमारी बांसुरी रेडी हो गई है, ओके ओके तो आप पेपर फ्लूट इज रेडी। Yes. Okay. Thank you, everyone.